नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है M महादेव के द्वारा। देखो, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस की कई सारी बॉडीज के अनुसार हर एक पर्सन का अपना एक घर हो, ये एक ह्यूमन राइट है। और इस संदर्भ में इंडिया ने काफ़ी सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी साइन किया है ताकि ये इंश्योर किया जा सके इंडिया में हर एक पर्सन के पास अपना घर होना चाहिए जो ठीक ठाक हो। कच्चा घर या फिर टूटा फूटा घर, पुराना घर जो कभी भी गिर सकता है, इस प्रकार के घर को आप इनएडुकेट हाउसिंग की कैटेगरी में डालोगे। मतलब राइट टू हाउसिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर किसी का घर खराब सिचुएशन में है, टूटा फूटा है, कच्चा घर है, लकड़ियों से बना घर है, या फिर जो घर कभी भी गिर सकता है। देखो, वैसे तो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों में इनएडुकेट हाउसिंग की दिक्कत है, बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन सब का भी बहुत ज़्यादा अभाव देखने को मिलता है। वैसे सरकार ने काफ़ी तरह की स्कीम्स चलाई हैं हाउसिंग की समस्या को एड्रेस करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, बट ये सारी स्कीम्स अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में हाउसिंग में जो डिवाइड है, डिवाइड मतलब रूरल एरियाज में हाउसिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर है, ये डिवाइड नहीं कम कर पाई हैं इस प्रकार की स्कीम्स। अभी देखो, रूरल एरियाज में 82% जो हाउस होल्ड्स हैं उनका घर ठीक नहीं होता, या तो कच्चा घर होता है या फिर पुराना टूटा फूटा घर होता है। अर्बन एरियाज में 18% घर ऐसे हैं जो इनएडुकेट हैं, मतलब या तो घर है नहीं या फिर खराब सिचुएशन में हैं। तो आप देख सकते हो डिवाइड कितना ज़्यादा है हाउसिंग में रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में 82% हाउसिंग पॉवर्टी है। खास करके देखो, रूरल एरियाज में वो लोग जिनकी इनकम काफ़ी कम है, जो अनस्किल्ड काम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता या तो वो नया घर बना सकें या फिर अपने पुराने घर को ठीक करवा सकें। और देखो, अगर घर काफ़ी पुराना है, कच्चा है, घास फूस से बना है, लकड़ी से बना है, तो और काफ़ी सारी दूसरी जो एमिनिटीज होती हैं, सुविधाएँ, उनका लाभ भी हाउस होल्ड्स नहीं उठा पाते। जैसे अगर देखो घर कच्चा है तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिलेगा, सोलर एनर्जी संबंधित जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं इंस्टॉल किए जा सकते छत पर, टॉयलेट वगैरह नहीं होगा, ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन नहीं होगा। तो ये हाउसिंग के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। और अगर देखो रूरल एरियाज में घर नहीं होता तो फिर माइग्रेशन भी ज़्यादा होता है अर्बन एरियाज में। लगता है लोगों को कि यहाँ पर ना घर है और दूसरी एमिनिटीज भी नहीं हैं, शहरों में जाएंगे तो शायद अच्छा काम मिल जाएगा, तो माइग्रेशन बढ़ता है इनएडुकेट हाउसिंग के कारण रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। अब नेक्स्ट हम देखो ये डिस्कस करते हैं रीजंस क्या हैं कि रूरल एरियाज में हाउसिंग की इतनी बड़ी समस्या है। सबसे पहली बात, शॉर्टेजेस इन सप्लाई ऑफ हाउसिंग। देखो, शहरों में आपको पता है बिल्डर नई नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, सोसाइटीज बनती हैं, तो घर अवेलेबल होते हैं खरीदने के लिए, जबकि रूरल एरियाज में हाउसेस की बहुत दिक्कत होती है। खुद से घर बनाएं तो बनाएं, अदरवाइज अर्बन एरियाज की तरह बिल्डिंग्स में फ्लैट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब घरों की प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज में। नेक्स्ट, लैक ऑफ पॉलिसी रीडेवलपमेंट। देखो, सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि सरकार जनता को पैसा दे कि भैया आप अपना घर ठीक करवा लो अगर आपके पास पैसा नहीं है। सरकार टॉयलेट बनवाने के लिए पैसा देती है लेकिन घर ठीक करवाने के लिए पैसा नहीं देती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पब्लिक फंड्स इन रूरल हाउसिंग। पब्लिक फंड्स मतलब सरकार काफ़ी कम खर्च करती है रूरल एरियाज में हाउसिंग की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सेस टू एनी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन रूरल एरियाज। बैंक वगैरह या फिर दूसरे जो सरकारी कंपनीज या फिर प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी देखो पैसा देती नहीं है रूरल एरियाज में घर के नाम पर। शहरों में क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लोन आसानी से मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ रूरल एरियाज में आसानी से लोन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मीनिंगफुल मार्केट इंटरवेंशंस।
देखो आपको भी पता है अर्बन एरियाज़ में magicbricks.com, 99acred.com काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं और इन्वेस्टमेंट भी आ गई है रियल एस्टेट सेक्टर में, जबकि रूरल एरियाज़ में मार्केट इंटरवेंशन नहीं हुआ है। इस वजह से भी रूरल एरियाज़ में हाउसिंग की प्रॉब्लम है। लास्ट में एक चीज़ ये बोली जाती है, देखो खास करके शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि देखो परंपरागत रूप से इनके पास लैंड नहीं रहा है। अब आगे देखो हम ये डिस्कस करते हैं क्या करना चाहिए ताकि रूरल हाउसिंग की जो पॉवर्टी है उसे मिटाया जा सके। सबसे पहले देखो रूरल एरियाज़ के लिए एक इंटीग्रेटेड हाउसिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसे मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जाए, और इस स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डेफिनेट टाइम फ्रेम भी होना चाहिए कि भैया इतने समय में हम ये इंश्योर करेंगे रूरल हाउसिंग को पूरी तरह से मिटाया जा सके। इसके लिए देखो पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए अधिकारियों की, ऑफिशियल्स की जो इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ के साथ सोशल ऑडिटिंग की भी आवश्यकता है। सोशल ऑडिटिंग में क्या होता है, स्कीम के जो बेनिफिशरीज होते हैं वो स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को इवेल्युएट करते हैं और उनमें जो कमियां होती हैं उनको बताते हैं। जैसे मिड डे मील स्कीम काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है सोशल ऑडिटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार को देखो अच्छा खासा रिसोर्सेज एलोकेट करने की आवश्यकता है, ना सिर्फ रूरल हाउसिंग के लिए बल्कि हाउसिंग से संबंधित दूसरी जो सुविधाएं होती हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, टॉयलेट्स, एनर्जी, ड्रेनेज कनेक्टिविटी, इन सब को सरकार साथ लेकर चले और आवश्यक रिसोर्सेज जितने भी चाहिए उनको सरकार एलोकेट करें। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे देखो रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारे लैंडलेस लेबरर या फिर काफ़ी सारे किसान एक साथ आए, और जैसे अर्बन एरियाज़ में सोसाइटी बनती हैं उसी प्रकार से रूरल एरियाज़ में भी मिल के घरों का निर्माण किया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका भी समर्थन लिया जा सकता है, उनकी सपोर्ट से रूरल एरियाज़ में हाउसिंग पॉवर्टी की जो समस्या है उसे दूर किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रूरल एरियाज़ में हाउसिंग के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।